1871 की आप आईपीसी लिए फिर रहे हो, सुनिए, सीआरपीसी लिए फिर रहे हो, सीपीसी लिए फिर रहे हो, उसमें मायावती जी का रोल कहां पर है? इधर उधर इधर उधर। और आप ही लोग ये कहते हैं कि सरकारों का दोष। अरे सर, तो जिन्होंने संविधान बनाया उनको सोचना चाहिए था ना कि अंग्रेज संविधान बनाने वालों का क्या दोष है? अरे सारा काम मानवाधिकार है ना। अरे मानवाधिकार की बात है, पूरे हुए कानून से चलती है ना संविधान। भाई लोग कानून हुए ना उस जमीन के, वो कौन से हुए? अरे सर कौन से हुए? उनका कब्जा था, संविधान से बाहर है उनके। जब कैसे मना कब्जा था उसी वक्त क्यों नहीं अब जबरदस्ती बन जाती है? ये सारी चीजें हटा दी इसका अंग्रेजों का लेके ढोते रहे। सीधा सीधा बोल रहा हूँ वहाँ का। अरे आप बोलिए ना कि जिन्होंने संविधान कानून बनाया। ठीक है शांत, ठीक है शांत हो जाइए। गौतम राणे सागर, गौतम राणे सागर जी, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। एक एक चीज मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो यूपी को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक एक चीज मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो यूपी को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए अभी एक एक को सुनिए आप। पर एक मिश्रा हमारे साथ में है, पर एक मिश्रा हमारे साथ में है। एक एक चीज मुझे समझाइएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो यूपी को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी बेल्ट से आते हैं जहां पर यह नरसंहार हुआ है। मुझे एक चीज समझाइएगा। ठीक है, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि बड़ी राजनीतिक साजिश हो गई, कांग्रेस का यह पाप था। समाजवादी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाई देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और कमोबेश यही बात जो है कांग्रेस वाले और बीएसपी वाले भी कह रहे हैं। बीजेपी का एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि यज्ञदत्त जो है वो सपाई रहा है 2017 तक। और दूसरी एक बात जो सामने आती है, जिस सोसाइटी आदर्श सोसाइटी की जमीन को लेकर के विवाद था, 1955 में इसका गठन हुआ। बिहार से राज्यसभा सांसद महेश्वर प्रसाद नारायण ने इसका गठन किया, कांग्रेस के थे ये। इनके महेश्वर प्रसाद नारायण उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल चंद्रेश्वर प्रसाद के भतीजे थे, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस की लॉबी जो है पूरी 1989 तक काम कर रही थी। उसके बाद क्या है कि महेश्वर नारायण प्रसाद के आईएएस दामाद प्रभात मिश्रा की पत्नी और बेटी के नाम यह जमीन कर दी गई, और 2 साल पहले उन्होंने यज्ञदत्त को यह जमीन बेच दी। राजनीतिक साजिश नजर आ रही है, कोई ब्यूरोक्रेटिक साजिश नजर आ रही है, किसी तरह की लापरवाही है क्या, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही आपको नजर आता है? देखिए राशिद, यहाँ 8-10 लोगों की मौतें हो गई है, वो किसी भी उसके रहे हो, किसी भी पक्ष के रहे हो, कौन दोषी था गुनाहगार वो डिफरेंट चीज है, लेकिन वो हिंदुस्तानी थे। अगर मैं इस चीज को इमेजिन कर लूं कि इस तरीके की घटना मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, आपने एक सवाल पूछा था, कोई बोल रहा है उनका पाप है, उनका पाप है। मैं बोलता हूं ये पाप किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बड़ी ग्लानि होती है। मुझे लगता है हमारे देश की जनता का ये पाप है जो बार बार ऐसे राजनेताओं को, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जहां पे भेज दिया जाता है। और पिछले 50 सालों से 60 सालों से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्शन जो होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ, जिसमें सारी सरकारें शामिल है, सब कुछ हो गया। मैं मानता हूं सारा विकास हो गया कांग्रेस से लेके अब तक, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपको चुस्ती फुर्ती देनी चाहिए थी देश को, वर्ल्ड लेवल का जो, आप ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में कितने संवेदनहीन लोग बैठे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं, पुलिस कभी भी प्रिवेंटिव मूड पे, यहां का सिस्टम कोई भी प्रिवेंटिव मूड पे काम करता ही नहीं है, करेक्टिव मूड पे। 8-10 लाशें गिर गई फिर पहुंच गए, कौन से नेता को खरोच आया है? एक छींक आ जाती है नेता को तो उनका घर, उनका बंगला, एक फोन आ जाए, कोई धमकी दे दे तो वो छावनी में बदल जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दुर्भाग्य, ना ये पाप ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, किसी का नहीं है, इस पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये हम जैसे देशवासियों का है, जो कि हम टैक्स भी दे रहे हैं हर बार ये वादे करके, हम ये रिफॉर्म करेंगे, हम वो रिफॉर्म करेंगे, और ऐसी घटनाएं ऑल ओवर इंडिया में हो रही हैं। ठीक है, एक जगह दो जगह होती है, 10 जगह 20 जगह 50, किसी न किसी तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक जान की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है, और ये इस तरीके यहाँ पे तो 10 जाने चली गई हैं दो पक्ष की, अगर पुलिस प्रशासन चाहती। ये सही कहा आपने, जब सोनभद्र नरसंहार की खबर आई उसके बाद हमने देखा अलग अलग जिलों से अलग अलग तरीके की जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की तस्वीरें और खबर आई, वहाँ पे सारी सुरक्षा की व्यवस्था की है। ठीक है गौतम जी, इसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है दिनेश, यहाँ पर कोई भाषण नहीं चल रहा। हाँ दिनेश, अपनी बात कहें, सहज ढंग से भी कहें, एक पिच पर भी कहें। देखिए अभी एक को सुनिए आप।
देखिए एक बात ये समझाइए, सोनभद्र की सियासत में कौन कहां पर खड़ा है, सोनभद्र की सियासत से कौन कितना फायदा कमाना चाहता है। और मैं मायावती से शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि मायावती के प्रतिनिधिमंडल से, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट विजिटर हैं उनमें मायावती का डेलीगेशन ही है। इससे पहले सीएम साहब जा ही चुके हैं, उससे पहले प्रियंका गांधी और अब अखिलेश यादव का नंबर है। सोनभद्र की उस जमीन से कौन कितने वोट कमा पाएगा? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मायावती जी का अगर आप पहले देखेंगे तो वो बहुत एग्रेसिव थी और किसी भी घटना पे तुरंत वो कुछ ना कुछ बोलती थी, करती थी और पहुंचती थी। आप यूपी में देखिए, एक बार यहीं कहीं पे तीन बहनों ने एक साथ फांसी लगाई थी या उनको लटका दिया गया था, मायावती जी खुद वहां पे गई, उस वक्त वो वहां पे सीएम थी। मुझे ये लगता है ना कहीं मायावती जी ने जैसे अपना ये सारा सब कुछ अपने जो है भतीजों को जब से इन्होंने सौंपा है, तब से मुझे लगता है कि वो कुछ राजनीतिक वानप्रस्थ आश्रम की तरफ वो अग्रसर हो रही है। उतना ज्यादा वो एक्टिव नहीं है राजनीति में, उतनी क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं दे रही है, कुछ शांत है मायावती जी का या बीएसपी का, मुझे ये लगता है। अदरवाइज हमेशा हर चीज में और स्पेशली पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर कुछ हो जाए तो हमेशा आगे रहने वाली पार्टी सबसे बाद में वहां पे पहुंच रही है, इवन उनका डेलीगेशन पहुंच रहा है। इतने बड़े हत्याकांड या इतने बड़े कांड पे तो बीएसपी, पहले बीएसपी का रिकॉर्ड ये रहा है कि पूरा प्रदेश जो है वो सर पे उठा लेती थी, संविधान खतरे में पड़ जाता था, दलितों की पूरी अस्मिता, ऐसा लगता था कि समझ लीजिए कि पिछड़े जातियों की अस्मिता, पूरी पिछड़ी जाति खतरे में पड़ जाती थी। सवाल यहाँ पे ये है, देखिए कुछ हो या ना हो, करंट में जिसकी मतलब जो जिसकी गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका ये मैनिफेस्टो भी था, भय मुक्त समाज बनाने का उनका मैनिफेस्टो था। ये घटना अगर ऐसी हो जाती है तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगता है, घटना बड़ी है, कोई ऐसा नहीं है कि चलते चलते मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और लोगों को जाकर के हाथ पैर में पट्टी उट्टी बंधवा दी और उसके बाद बोल दिया कि जी हम सड़क का गड्ढा भर देंगे, वो चीज नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव चीज है। तो करंट गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज ये है कि कैसे इस चीज को क्या बोला जाए इस पे कि ऐसा क्यों हुआ। शासन आपका है, प्रशासन आपका है, आप टाइट भी है, हर तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये एक अच्छी कोशिश की थी राजनीतिक फायदा उठाने का, मैं राजनीतिक फायदे की बात बोल रहा हूं, मूलभूत जो सुधार होना चाहिए था वो अप्रोच मुझे भी नहीं लगा, वहां पे वो गई। ये एक जो है तारीफे काबिल है इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स कि जो लोग एकदम सुसुप्ता अवस्था में गए हुए हैं, चाहे उनका राजनीतिक मनोबल डाउन हो गया हो, चाहे ये सोच रहे हैं कि अरे आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, काहे की चिंता करता है बंदे, चुनाव होना है अभी परसों बाकी है, चुनाव बाई इलेक्शन है ना, नहीं अभी दो साल है साहब, ये साहब है बाई इलेक्शन उपचुनाव, अरे बाई इलेक्शन है ना, वो तो बिना कुछ बोले बिना गए कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे, इतने कॉन्फिडेंट ये लोग हैं। बाई इलेक्शन के लिए क्या तकलीफ लेना, तकलीफ तो तब लेना होता है जब अपने ऊपर कुछ पड़े, अभी एक फोन की धमकी आ जाए नेताओं को, तब देखिए कैसी तकलीफ होती है, पूरी मिलिट्री की छावनी आगे पीछे घूमने लगती है, अरे जी हमको उनसे खतरा है, वो हमारी हत्या करवा देंगी, वो वैसे सीबीआई की जांच बैठ जाए तो राजनीतिक साजिश हो जाती है किसी चीज के मामले में, यहां जान चली जाए तो किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। मैं सारे पार्टियों की बोल रहा हूं, अगर सीबीआई, ममता बनर्जी का आप देखिए, वहां सीबीआई गई क्या हुआ, मैं बोलता हूं अगर आप पाक साफ हो तो एक एजेंसी जा रही है उसको जांच करने दीजिए, पुलिस रोज आती है कितने लोगों के यहां इंक्वायरी करके चली जाती है, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया पूरे सब सारी पार्टियों का, अब आप देखिए कैसे पूरे देश को ये लोग, कभी संविधान खतरे में पड़ेगा, कभी फलाना समुदाय खतरे में पड़ जाता है, लोगों की जान हर दिन, पूरे देश की बात कर रहा हूं पार्टी, हर दिन लोगों की जान खतरे में है यहाँ पे, उस पर कहीं कोई बोलने वाला नहीं कि सिस्टम, भाई नेताओं को भी इसी देश में रहना है, हमें भी इसी देश में रहना है, सुरक्षा सबसे बेसिक चीज है और सुरक्षा सबके लिए समान होना चाहिए, प्रधानमंत्री से लेकर के देश की एक जनता जो लाइन में सबसे किनारे पे खड़ा हुआ आदमी है उसको भी ऐसी ही सुरक्षा की भावना फील होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए जैसे प्रधानमंत्री को है। ठीक है, ये लोकतंत्र की मजबूती है। ओके ठीक है, गौतम राणा सागर जी कुछ आप कहना चाहते हैं, और ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनभद्र में एक अजीब किस्म का ज्वालामुखी था और वो ज्वालामुखी बढ़ता गया और एकाएक बिल्कुल फूट गया, लेकिन उस ज्वालामुखी के बढ़ने के पीछे चाहे वो कांग्रेस का शासन ना हो, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन ना हो या बीएसपी का शासन ना हो, हर कोई बराबर के जिम्मेदार रहे हैं सोनभद्र में? राजसिद्ध जी, जब 2.5 साल से जिसकी सरकार हो और वो सरकार केवल सोनभद्र में ही नहीं, प्रदेश के पूरे कोने कोने में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे ब्रेक डाउन हो गया हो, तो दूसरे को दोष देने से काम, ये सब जानते हैं,
1955 में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, ट्रस्ट के नाम जमीन गई और वो एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसके तहत ट्रस्ट बनाया गया। 1966 में उस ट्रस्ट को एबोलिश कर दिया गया, 1900 नाम पे चढ़ा दिया गया, फिर 2017 में उस जमीन को यज्ञदत्त को बेच दिया गया। ये सब जानते हैं, उस पे जाने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह से बात की जा रही है, अगर साजिश थी तो आप साजिश होने का, इस धरती को खून से रंगे जाने का इंतजार कर रहे थे क्या? अभी अभी जो कर रहा है, ये संविधान खतरे में पड़ा कि नहीं पड़ा? धरती को रंगे जाने का इंतजार आप कर रहे थे जब सबको शायद आपको जवाब देना चाहिए, सबको सूचना थी इस बात की। दिनेश दुबे जी शायद आपको जवाब देना चाहिए, सबको सूचना। अरे सुन लीजिए, अचानक घटना इनकी सरकार में हो जाती थी, समाजवादी पार्टी में हत्याएं हो जाती थी, लूट हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, बड़े बड़े मुजफ्फरकांड हो जाते थे, सैकड़ों लोग मर जाते थे, तब इनकी सरकार क्या करती थी? एक आकस्मिक घटना है और जैसे ही हमारी सरकार को पता चला है, नहीं सरकार की साजिश है, सरकार की साजिश आकस्मिक घटना नहीं है, बाद में ये सरकार का निकम्मा पन है, सरकार की साजिश है, पार्टी के लोग सरकार की साजिश है। और समाजवादी पार्टी, ठीक है गौतम जी दिनेश जी, आप दोनों ही रुक जाएं, पार्टी के लोग केवल, ठीक है गौतम जी दिनेश जी आप दोनों ही रुक जाइए। ऐसा धारापुरी जी, राजनीतिक साजिश का मतलब क्या होता है? जिस तरफ इशारा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और राजनीतिक साजिश अगर किसी प्रदेश में इतनी बड़ी हो जाती है कि 10 लोगों का नरसंहार हो जाए, तो इसके पीछे आईएएस या आईपीएस लॉबी किस तरह से सांठगांठ में लोगों का साथ दिया करती है? नहीं देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया, इसमें कोई साजिश की बात नहीं है। इसमें असली जड़ में तो वो जमीन की समस्या है, जो वहां पर अवैध तरीके से जो जमीनें हथियाई गई हैं, जिस पे आदिवासियों का दलितों का कब्जा है और दूसरे लोग उसके मालिक हैं, तो उसी तरह से ये जो यज्ञदत्त थे, इन्होंने 2017 में करवा के उस जमीन को अपने नाम, ये जब भाजपा की सरकार थी इस समय दाखिल खारिज उसका हुआ है, पहले वाले डीएम ने रोक दिया था, अब जो नए डीएम ने किया है, तो उसने जाके वहां कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए आप, ऐसा दारापुरी जी एक मिनट रुक जाइए, दिनेश दुबे जी एक मिनट, दारापुरी साहब एक मिनट रुकिए, दिनेश दुबे जी अभी आपने सुना या नहीं सुना? ऐसा दारापुरी जी का कहना यह है कि मौजूदा डीएम ने दाखिल खारिज का आदेश दिया, दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन जिसे बोलते हैं, और अगर मौजूदा सरकार में म्यूटेशन, अगर इस जमीन का दाखिल खारिज यज्ञदत्त के नाम से अगर मौजूदा सरकार में हुआ, तो पिछली सरकारों की राजनीतिक साजिश का हिस्सा कैसे हुआ फिर सोनभद्र नरसंहार? यज्ञदत्त को रोका क्यों नहीं गया? म्यूटेशन नहीं होना चाहिए था? म्यूटेशन तो बहुत बड़ी चीज है। दाखिल खारिज हुआ होगा, डीएम ने देखा होगा, क्या उसका तर्क क्या अपना, तो भाजपा से उसका क्या लेना देना है? अच्छा खारिज तो रोज पूरे देश में हुआ करता है। इसी तरह से तो पिछले आईएएस आईपीएस देखते होंगे, फिर समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना, बीएसपी का क्या लेना देना, फिर कांग्रेस का क्या लेना देना? आप लोकतंत्र देखिए, लोकतंत्र किस तरह से काम करता है, दिनेश दुबे जी चक्कर ये है ना, दिनेश जी दिनेश जी एक मिनट रुक जाइए, गौतम जी अगर बोलना है तो एक बार के लिए गौतम जी को बोलने दीजिएगा, आप अगर बोलना है तो फिर आप पूरी तरह से बोल लीजिएगा, बातें अगर ओवरलैप होती है तो दर्शक ये समझ जाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, आप फिर से वही काम कर रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए दिनेश जी की, आवाज नीचे, अब आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे सुन लीजिए दिनेश जी, मुझे सुन लीजिए, आपको कोई नहीं सुन रहा है, मुझे सुन लीजिए, एक बेहतर डिबेट का डिकोरम यह होता है कि अच्छे श्रोता होने की हैसियत से सवाल भी सुने, आरोप भी सुने, उसका जवाब भी सुने, और उसके बाद अपनी पारी जब भी आपके पास में आए उसके बाद आप अपनी बात बोलें। गौतम जी एक बार अपनी बात पूरी तरह से कह लीजिए, क्योंकि यहां पर सुरेश चंद्रा भी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, गौतम जी अपनी बात पूरी तरह कह लें। राशिद जी, अक्टूबर 2017 में उस जमीन का म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होते ही फिर से वो लिटिगेशन जाता है और थाने को बताया जाता है। 2017 में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, भाजपा की नहीं थी। 2017 अरे महाराज कहां पर है, 2017 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, 2017 अक्टूबर में आपकी सरकार थी, कहां है आप? 2017 अक्टूबर बोला उन्होंने, 2017 में उस जमीन का म्यूटेशन है,
तो अक्टूबर बोला हमारी 2017 में, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर में हमारी सरकार को तुरंत सत्ता अगर मिली। अरे रुकिए अभी, गौतम जी को सुनिए। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, पार्टी के सरकार के सारे अधिकारी, दिनेश जी एक मिनट रुक जाइए ना, पार्टी के सरकार के सारे अधिकारी थे, उन्हीं के सरकार का डीएम होगा, वही किया होगा। दिनेश जी हमारी सरकार जो दूसरों को बोलने ना दे वो प्रवक्ता अच्छा नहीं होता है, जो दूसरों को सुने नहीं वो प्रवक्ता इंप्रेसिव नहीं होता है। दूसरों को सुनिए और अपनी पारी आने पर जब बोलेंगे तो वो प्रवक्ता बेहद इंप्रेसिव होता है। डिबेट तो करेंगे हम, डिबेट। अरे दिनेश भाई, दिनेश भाई रुकिए, तो कैसे हमारी बात पूरी होगी? अरे आपकी बात पूरी तरह से पूरी हो रही है, अब गौतम जी को सुन लीजिए आप। गौतम जी बोले। हाँ आप बताएं तो हम बोले। आप कुछ जवाब दे रहे थे, दिनेश जी को कुछ कह रहे थे आप। राशिद जी, अक्टूबर 2017 में ये जमीन म्यूटेशन हुई और तभी से वहां के जो 1947 से पहले गौंड जाति के लोग थे, बकायदा एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे थे कि जिस व्यक्ति के नाम पे ये जमीन म्यूटेशन हो गई है उसका क्रिमिनल पृष्ठभूमि है, वो कभी भी दुर्घटना कर सकता है, इसलिए हमें बचाया जाए। चूंकि वो जमीन ही ग्राम सभा की थी तो उसको म्यूटेशन नहीं किया जाना चाहिए था। और इस बात को जब प्रशासन के ध्यान, प्रशासन के संज्ञान में पूरी तरह लाया गया, दो एक बार पहले भी घटनाएं हल्की फुल्की हो चुकी थी, तो प्रशासन को जागरूक होना चाहिए था। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई और ये कह रहे हैं वहां चौकी होगी, फायर लोगों को आंगनबाड़ी में डालिए, ये क्या इंतजार किया जा रहा था? क्या कि दरभंगा अभी भी सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, बीएसपी के नेता सुरेश चंद्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि सुरेश चंद्रा एक ऐसे नेता है जो बामसेफ के वक्त से बहुजन समाज के साथ में जुड़े रहे हैं और जब आंदोलन बामसेफ के नाम से रहा उस दौर से जुड़े रहे हैं। सुरेश चंद्रा जी, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि सोनभद्र में जो हुआ राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, क्या इस राजनीतिक साजिश में पीछे बीएसपी का भी हाथ था? नहीं, इसमें साजिश क्या हो सकती है, बड़ा सीधा साधा मामला है। बीएसपी के शासन काल में तो जो वहाँ की आईएएस आईपीएस ये सारा जो लॉबी होता था, ये हनुमान चालीसा पढ़ता था कि जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। आज फिर क्यों नहीं इनसे योगी साहब से वो डर रहे हैं? क्यों मतलब वहाँ की कानून व्यवस्था खराब है जब उन लोगों ने पहले से दरख्वास्तें दी हैं, तो फिर क्यों ये इस तरह की स्थिति बनी, क्यों ये नरसंहार हुआ? इसका मतलब हुआ उस प्रधान को पूरी तरीके से राज्य सरकार की और शासन प्रशासन की पूरी उसके साथ लोभी संलिप्त है। नहीं तो वहां के जो पुलिस अफसरान रहे हैं सोनभद्र के, वो लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से? इसलिए इसमें बीएसपी को बदनाम करने का ठेका लिया हो, एसपी को बदनाम करने का ठेका लिया हो, तो वो तो बीजेपी का बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इस देश में और किसी को कोई अपनी बात कहने देना नहीं है उन लोगों को। नहीं तो इसमें कहां कोई भी एक भी सबूत हो, जब म्यूटेशन हो नहीं सकता था तो हो कैसे गया? रजिस्ट्रार वहां पर क्या कर रहा था? सब रजिस्ट्रार करते हैं ये सारे काम, तो उनकी मिली भगत थी। और फिर कब्जा लेने की बात आई, उसके खिलाफ भी उन लोगों ने लिख करके दिया, तो फिर कैसे वहां जाकर के ये इतना आदमी इकट्ठा हो जाए, हथियारों के साथ इकट्ठा हो जाए और फिर सरेआम गोली चले? इसका मतलब सरकार की पूर्णतः उसमें भागीदारी है, हिस्सेदारी है, अन्यथा तो इस तरह के केसेस नहीं। ऐसा तो मत कहें। जी जी बोले सिंह साहब, शायद डॉक्टर विक्रम सिंह, शायद आपको जवाब देना जरूर चाहिए, ये तो नहीं बोले हैं सुरेश चंद्रा जी? जी, किसी भी सरकार की इस तरह की भागीदारी या हिस्सेदारी नहीं होती जहां पर इस तरह का नरसंहार होने के चांसेस हो या फिर नरसंहार होने का डर हो, किसी भी सरकार की, ये कुछ भी कह लीजिए आप, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो या फिर बीजेपी हो। डॉक्टर सिंह, हाँ एक मिनट डॉक्टर सिंह को सुन लें, सुरेश चंद्रा जी डॉक्टर सिंह को सुन लें। नरसंहार को बार बार राजनीतिक चश्मे से, सत्ता और विपक्ष के चश्मे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैंने बार बार आपसे कहा भूमि विवाद है और इन भूमि विवादों को बहुत ज्यादा राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए।
और अगर आप राजनीति के चश्मे से जैसे ही देखना शुरू करते हैं डॉक्टर सिंह, तुरंत पचपन से हो जाता दो है। तरीके का भूमि विवाद होता है जी, एक तो गली मोहल्ले और पड़ोस वाला होता है और एक बड़े बड़े पट्टे वाला होता मैं है, वही दोनों में फर्क होता राशिद है। राशिद भाई मैं वही आपसे कहने वाला हूँ, एक व्यक्ति जो सांसद थे, एक व्यक्ति जो गवर्नर के रिश्तेदार थे, एक व्यक्ति जो आईएएस थे, ये लोग बड़े लेवल पर प्रभावित कर लेते हैं किसी भी चीज को। अगर बातें आती है कि म्यूटेशन नहीं हो सकता था तो ये भी जांच होगी जरूर कि म्यूटेशन हुआ कैसे, किसके दबाव में हुआ। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर म्यूटेशन हो गया है, दूसरा व्यक्ति भले ही कहे कि साहब मेरी जमीन पर वो कब्जा ले रहे हैं, अगर उसके नाम पर हुआ है तो वो भी प्रयासरत होगा, पुलिस से भी मांगेगा मदद, प्रशासन से भी मांगेगा कि साहब मेरी जमीन मेरे नाम पर म्यूटेशन हो गया है, मुझे इस जमीन का कब्जा दिलाया जाए। यहां तक दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही रहते हैं, किंतु वो सारे लोग इस बीच में गायब हो जाते हैं जिन्होंने अपने आभा मंडल से, जिन्होंने अपने प्रभाव से इतने बड़े कांड की संरचना कर दी, इतना बड़ा नरसंहार हो गया। किस आधार पर जो आईएएस थे मिश्रा जी, उन्होंने जमीन, क्या सोसाइटी की जमीन किसी को बेची जा सकती थी? अगर वो बेची जा सकती है तो उसकी क्या नियमावली है? ऐसी स्थिति में अगर वो बेची गई और उसका कब्जा दिलाया जाना चाहिए था तो क्यों नहीं दिलाया गया? अगर नहीं दिलाया जा सकता था तो कौन मदद कर रहा था? मेरे ख्याल से इसमें अभी हम लोगों को देखना होगा कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, किस किस के विरुद्ध होती है, कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि योगी जी इसकी जांच बहुत मजबूती से और पारदर्शिता से करवाएंगे, और किसी भी मुख्यमंत्री को इतने बड़े नरसंहार पर, किसी भी सत्ताधीश को पूर्ण मजबूती से, पूर्ण पारदर्शिता से जांच करा के जितने भी लोग हैं उसमें, चाहे पटवारी से लेकर आईएएस तक, चाहे सत्ता के केंद्र में बैठे लोग, चाहे विपक्ष के केंद्र में बैठे लोग, 10 लोगों की, 10 देश की जनता की अगर जान गई है, नरसंहार में गई है, तो ऐसे सारे लोगों को भी बेनकाब करने की लेकिन जरूरत है। एक आपकी समझ में अभी तक लीकेज क्या है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ भी शक की सुई जा ही रही है। कांग्रेस के पिछले शासनकाल में 1955 के वक्त में, 1989 के वक्त में, पिछली जो सरकारें रही हैं उधर भी चीजें जा रही हैं। और जब आप शक की बात करते हैं तो ये जो 2017 में जो म्यूटेशन हुआ, तो शक की सुई अभी मौजूदा दौर में जो लोग भी सरकार चला रहे हैं उधर भी जा रही है। असल में लीकेज कहां पर है? देखिए लीकेज ये मैं इस पे, ये जो लोग बोल रहे हैं ये राजनीतिक साजिश है, मैं इसको भी नहीं मानता हूं। अब उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा। भारत में जब राजनीतिक साजिश होती है ना यहाँ पे, तो उसके अंजाम कुछ और होते हैं, उसके सिम्टम और करेक्टर कुछ और होते हैं। ये है, अब बोलिए तो मैं बोलूं, एक बार राजनीतिक साजिश हुई तो देश दो टुकड़ों में बट गया। राजनीतिक साजिश जब होती है तो दंगा होते हैं यहाँ पे। ये है क्या, दो ग्रुप में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या मिल्कियत को लेकर के एक डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट में जो भी प्रभावशाली आदमी था, दोनों पक्षों ने उस पर अपना कब्जा अपने तरीके से भरसक दिखाने की कोशिश की और सिद्ध करने की कोशिश की कि मेरा कब्जा है। यहाँ पे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का फेल ये है, या कानून का फेल ये है कि कानून इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे न्यायालय ने, चाहे आप पुलिस प्रशासन को देखिए, टाइम पे उन्होंने इस चीज को लिया नहीं। अगर एक केवल दो आदमियों का अगर ये झगड़ा है तो ये माना जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चलो आया राम गया राम कर दे, लेकिन जहां दो बड़े बड़े ग्रुप इन्वॉल्व है, उसमें इतने हिस्सेदार हैं दोनों पक्षों को मिला के, तो एडमिनिस्ट्रेशन को वहां सेंसिटिव होना चाहिए। यानी इट इज अ टोटली लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंसेस। एक पुलिस कप्तान, जो सेंसिटिव पुलिस कप्तान होता है, प्रशासन के जितने बड़े अधिकारी होते हैं, देखिए इस चीज को मान लीजिए, प्रॉपर्टी के लिए लेकर के बड़े हेर फेर होते हैं यहाँ पे, आप कितने घपले होते हैं कि कृषि योग्य भूमि को जो है इंडस्ट्रियल लैंड में जो है तो तुरंत तब्दील कर दिया जाता है, फिर वो महंगे दामों पे बिकती है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि हमारा जो लॉ है वो बहुत कंफ्यूजिंग टाइप का है, बड़ा मिक्स है, हॉजपॉज टाइप का है। दो लोगों की, दो ग्रुप की जो है मिल्कियत की लड़ाई को प्रशासन भांप नहीं पाया, प्रशासन सोया रहा। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही, और ऑल ऑफ सडन हो जाने पे फेल्योर ये रहा कि इतनी दूर पे पुलिस बल वगैरह है कि वो टाइम पे वहां पहुंच नहीं पाए। अगर ये चीज जब पहले ही सुलग रही थी ना, अगर उसी बीच यहाँ पे प्रशासन ने जो है कुछ, अगर वो चेती होती, वहां पे दोनों को वार्निंग दिया होता, ऐसे डिस्प्यूटेड मामले में कोर्ट को या प्रशासन को एक चीज और लेना चाहिए प्रिवेंटिव मेथड पे, कि दोनों लोगों को ये बोल के रखे, जो इतने खतरनाक मामले होते हैं जहां ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन पर्सन या दो इंडिविजुअल पर्सन से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको वार्न करके रखे कि किसी भी तरीके की लड़ाई मारपीट आप दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेटिव फेल का एक बहुत
मतलब बहुत दुखद एग्जांपल है। दारापुरी जी, एसआर दारापुरी जी, आसान शब्दों में जरा समझाइएगा, सोनभद्र नरसंहार मामला या फिर इस तरह के बाकी मामले, इन्हें हम अधिकारी लेवल पर, पुलिस प्रशासन के लेवल पर उस लिहाज से सोचें कि वहां पर कुछ लूपहोल्स रह गए, या फिर इसे पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जाना ठीक है, लूपहोल कहां है? नहीं देखिए, ऐसा है, मैं इसके थोड़े फैक्ट्स क्लियर कर दूं कि 2017 में उसने जमीन खरीदी और उसने दाखिल खारिज के लिए एप्लीकेशन डाली, तो जो पहले वाले डिस्ट्रिक्ट, इस पर गांव वालों ने आपत्ति की कि ये जमीन हमारे कब्जे में है, इसका दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। इनसे वर्तमान से पहले वाले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने दाखिल खारिज नहीं किया, उन्होंने इसको आपत्ति को मान के दाखिल खारिज नहीं किया। ये दूसरे जिला अधिकारी आए, इन्होंने पता नहीं किन परिस्थितियों में उस दाखिल खारिज को कर दिया। जब दाखिल खारिज उसके नाम हो गया तो फिर उसमें अपना कब्जा लेने वाली भावना भी उसके अंदर जागी कि जो मेरे नाम जमीन आ गई है तो मैं उस पर कब्जा कर लूं। उसने कब्जा करने की एक बार पहले भी कोशिश की थी, पुलिस ने उसमें कार्रवाई करके रोक दिया था, परंतु इस बार पता नहीं फिर कैसे उसको एकदम इतना, मतलब जो ताकत आई उसके अंदर कि वो 30-32 ट्रैक्टर लेके और 300 आदमियों को भर के बंदूकें लेके वहां पर चला गया और वहां पर ये नरसंहार हुआ। तो इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नरसंहार हुआ है, इसके पीछे पहले वाली जो भी सरकारें रही, वर्तमान सरकार भी, इन्होंने जो भूमि संबंधी कानून है उनको ईमानदारी से लागू नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि वहां इस गांव को छोड़ लीजिए, हर एक गांव में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इस प्रकार के झगड़े हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसको हल करने के लिए कानून बना था, वनाधिकार कानून 2006 में बना, 2008 में लागू हुआ और मायावती ने उसका सत्यानाश कर दिया। वहां पर जो लोगों को जो जमीन मिलनी थी उनको जमीन नहीं दी गई, 81% दावे रद्द कर दिए गए। हम लोग उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, वहां से आदेश लाए कि सभी दावों को दोबारा सुना जाए। तब तक अखिलेश यादव की सरकार आ गई, 5 साल अखिलेश यादव की सरकार रही, उन्होंने एक भी दावा तय नहीं किया। आदिवासी जी, आपने चूंकि मायावती पर आरोप लगाए हैं, सुरेश चंद्रा जी को जवाब देना चाहिए। सुरेश चंद्रा जी, वनाधिकार कानून, वनाधिकार कानून की ऐसी तैसी मायावती ने कर दी, ऐसा दारापुरी जी का ये कहना, जवाब दें, जवाब दें। गौतम राणे सागर जी, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। 1871 की आप आईपीसी लिए फिर रहे हो, सीआरपीसी लिए फिर रहे हो, सीपीसी लिए फिर रहे हो, उसमें मायावती जी का रोल कहाँ पर है? इधर उधर और आप ही लोग ये चीजों को ना लेकर के जाए, सरकारों का दोष है। अरे सर, तो जिन्होंने संविधान बनाया उनको सोचना चाहिए था ना कि अंग्रेजों की आईपीसी सीपीसी वगैरह हटाए, उन्होंने तो अरे संविधान बनाने वालों का क्या दोष है? अरे सारा काम मानवाधिकार है ना, अरे मानवाधिकार की बात है, पूरे हुए कानून से चलती है ना संविधान, भाई लोग कानून हुए ना उस जमीन के, वो कौन से हुए? अरे सर कौन से हुए? उनका कब्जा था, संविधान से बाहर है उनके, जब मना कब्जा था उसी वक्त क्यों नहीं ये सारी चीजें हटा दी? इसका अंग्रेजों का लेके ढूंढते रहे, सीधा सीधा बोल रहा हूँ वहां की जिन्होंने संविधान कानून बनाया। ठीक है शांत, ठीक है शांत हो जाइए। गौतम राणे सागर, गौतम राणे सागर जी, हाँ एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गौतम राणे सागर जी, दो चीजें बताइएगा आप, गौतम राणे सागर जी दो चीजें बताइएगा। एक तो ये कि चूंकि हालांकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक मुखर प्रवक्ता हैं आप, लेकिन पहले समाजवादी आप भी हुआ करते थे, इसलिए आपसे एक सवाल है कि क्या पहले म्यूटेशन के नियम कुछ और हुआ करते थे और आप लोगों के बाद में म्यूटेशन के नियम कुछ और हो गए? क्या पहले अधिकारियों के लिए नियम कुछ और होता था और बाद में कुछ और हो गया? क्या पहले लोगों को संरक्षण देने का जो नियम था कुछ और हुआ करता था और बाद में कुछ और हो गया? आरोप होते हैं, अगर ये म्यूटेशन के नियम अलग होते तो 2017 में म्यूटेशन नहीं होता। उस सब हमारे यहाँ उस समय शायद सुविधा शुल्क इतनी नहीं चलती थी जितनी आज चल रही है। हम अभी विषयांतर से नहीं, एक जो जरूरी बात है उसको कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 दिन पहले से वहां के लोगों को, गोंड जाति के 4 लड़कों को जो इस केस की पैरवी किया करते थे, थाने में बार बार बुला करके ये कहा जाता था थाने से फोन करके कि तुम आओ हम यहाँ कंप्रोमाइज करा देंगे, तुम आओ हम यहाँ कंप्रोमाइज करा देंगे। उन्होंने ये कहा कि जब मामला लिटिगेशन पे है तो आप कंप्रोमाइज कहाँ कराएंगे, थाने में कैसे कंप्रोमाइज करा देंगे? उन्होंने कहा उसकी चिंता तुम छोड़ो, कंप्रोमाइज हम करा देंगे। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर थाने वालों ने 1 घंटे का कम से कम उनको
समय दिया था कि तुम इसमें कब्जा कर लो, शायद उनको ये और नरसंहार का अंदाजा होता तो शायद ये छूट न दिए होते। तो ये जो साजिश है कि ये कोई कहे कि आलाप सडन हुआ, 32 ट्रकों ट्रैक्टरों में भर के आना, एक दिन में कोई तैयारी नहीं कर लेता, बकायदा उसको हफ्ते 10 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, आपको पुलिस में था गौतम राणे सागर जी को डॉक्टर विक्रम सिंह कुछ जवाब देना चाहते हैं, रिबट करना चाहते हैं? देखिए, गौतम राणे सागर जी ये सुविधा शुल्क की बात कर रहे थे और कह रहे थे शायद पहले इतना नहीं था, अब इतना नहीं था। राजनीतिक लोग जब ऐसी बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि सुविधा शुल्क था, सुविधा शुल्क आप स्वीकार कर रहे हैं। और बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हम देश के सामने स्वीकार करते हैं कि साहब वो जो सरकार थी वो सुविधा शुल्क लेती थी, नंबर एक। नंबर दो, इतने सारे हथियार जिनमें लाइसेंसी हथियार भी थे, ये कब बने, किन लोगों ने बनाए, ये अचानक लोगों के पास, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के पास इतने हथियार कहां से आए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। कहां कब्र खोदने पे लगे हैं आप? सागर साहब, सागर साहब, अगर आप कब्र नहीं खोदेंगे तो चीजों का इलाज नहीं होगा। आप लोग अगर ऊपर से इसे लीपना चाहते हैं तो इलाज नहीं होगा, आप इसे ऊपर से मत लीपिए। आप अगर कभी उत्तर प्रदेश के गांवों में हथियारों की बात आई, सर्वाधिक मुद्दे अगर कोई है, चूंकि हथियारों की बात आई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। जमीन की चीजों को आप ठीक नहीं करना चाहते, एकदम ठीक बात। अभी जाइए गौतम राणे सागर जी, अभी रुक जाइए, ऐसा दारापुरी जी, आपका ऐसा दारापुरी जी, ठीक है डॉक्टर सिंह, आपकी बात को लेकर के जा रहा हूं। ऐसा दारापुरी जी, अभी डॉक्टर विक्रम सिंह ने जो बात कही है कि इतने ज्यादा हथियार, कितने दिन में ये हथियार इकट्ठा किए गए होंगे, लोगों में वो हिम्मत कैसे आई होगी, वो गुस्सा किस तरह से आया होगा, या कहते हैं ना कि क्षणिक आवेश, ये किस तरह से आया होगा। मैं दो चीजें पूछना चाहता हूं, ऐसी चीजें होना शहर में बहुत बार मुनासिब भी नहीं हो पाता और संभव भी नहीं हो पाता, जबकि गांव में आप चले जाइए, ग्रामीण इलाके में चले जाइए, अगर जमीन की लड़ाई होती है पूरा लोगों को लहूलुहान कर दिया करती है। क्या अर्बन पुलिसिंग और जो गांव की पुलिसिंग है दोनों में किसी तरह का अंतर होता है, दोनों के बीच भी किसी तरह का लीकेज है क्या? नहीं, देखिए जहां तक पुलिसिंग की बात है, देहात में तो पुलिसिंग होती ही नहीं है, वहां जब तक कोई वारदात नहीं हो जाती, कत्ल नहीं हो जाता, कुछ और नहीं हो जाता, पुलिस वहां जाती ही नहीं है। ठीक है, अब रुक जाइए, आपको माफी के साथ बीच में रोकना पड़ रहा है। दिनेश दुबे जी, इसका मतलब क्या माना जाए, अगर यूपी के गांव तक आप पुलिस पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो फिर अंत्योदय कहां गया? गांव तक पुलिस भी पहुंचाइए ना, अंतिम पग के जो अंतिम लोग हैं वहां तक पुलिसिंग भी पहुंचाइए। पार्टी के लोगों के द्वारा हथियार इकट्ठा किया गया था, अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा सबूत दीजिए, कब्जा किया जमीन, सबूत दीजिए, सबूत, समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता, दिनेश जी सबूत दें, और उन्हीं लोगों ने, दिनेश जी सबूत दें, सबूत है तो दें, दिनेश जी सबूत है तो दें, सबूत के बिना नहीं, प्रमाण के बिना नहीं, क्या कोई वीडियो है आपके पास में, क्या कोई तथ्य है आपके पास में, क्या कोई कागज है आपके पास में, क्या इस तरह की कोई जासूसी आपने कराई है क्या? यूं ही ना बोले, नहीं, ये कोई रैली नहीं चल रही है, ये डिबेट चल रही है, डिबेट में हमेशा तथ्यों के साथ में बोला जाता है। देखिए गौतम राणे सागर जो है उनके पास में रेफरेंसेज हैं, तथ्यों के साथ में बोलना है, बाकी सभी लोग तथ्यों के साथ में बोलना है। आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने वहां पर हथियार इकट्ठा कर लिए, अगर ऐसा है, सुरेश चंद्रा जी जवाब दें, सुरेश जी जवाब दें, हथियार उन्हीं के द्वारा लाए गए, हां एक मिनट रुक जाइए, सुरेश जी जवाब दें। भाई जी बात सुनेगा, अगर आज बीजेपी के शासनकाल में यदि किसी का लाइसेंस इशू होता है, व्हीपल लाइसेंस इशू होता है, और कल को चल करके वो किसी से अपराध करता है, तो क्या बीजेपी गुनहगार है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एंड कॉमेंट एके, आप डॉक्टर सिंह उसके बाद आप एके क्लोजिंग कॉमेंट। देखिए राशिद, मैं आपको बताऊं, लैंड जमीन यहाँ पे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक एक इंच के लिए ऐसे विवाद हो जाते हैं, हमने लाइव देखे हुए हैं कि एक एक इंच के लिए ऐसे विवाद हो जाते हैं। ठीक है, पहला रीजन मैं ये मानता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी कानून है वो इतने ट्रांसपेरेंट हो कि तुरंत डिसीजन उस पर हो, 70 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। दूसरी चीज ये होती है कि जब ऐसे डिस्प्यूटेड चीजें हो, जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप पहले भांप लीजिए कि यहां ज्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो पहले ही वो प्रिवेंटिव मेथड ले, कुछ आर्बिट्रेशन वगैरह का, कुछ कानून वगैरह का ऐसा करें कि ताकि वो हिंसक ना हो। अब म्यूटेशन पे बात हो रही थी, मैं बोलता हूं कि म्यूटेशन कितनी बार, 10 साल और चलने देते, जान तो बची रहती ना, केस चलता रहता। लेकिन क्या होता है ना डॉक्टर सिंह,
पिछले एक घंटे में कम से कम 3-4 बार एके मिश्रा ने जमीन के विवाद में प्रिवेंशन की बात की है, लेकिन यूपी के रहने वाला चूंकि खुद मैं हूं, जमीन का कोई काम किया ही नहीं करता। ज्यादातर जो मामले होते हैं ना, दबंगई से हल करने की कोशिश की जाती है, या यूं कहें कि दबंगई से और उलझा देने की कोशिश की जाती है। जहां पर ऐसा हो वहां प्रिवेंशन कैसे काम करेगा, और कैसा प्रिवेंशन? राशिद भाई, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मशीनरी है जो इसका काम करती है। हाँ। वो पटवारी से लेकर निष्पक्ष रूप से हमें कहना होगा जिलाधिकारी तक, ठीक है। ये लोग ऐसे काम कर देते हैं, बाद में चाहे राजनीतिक हो चाहे बाकी सारे लोग हैं, ठीक है। वो जो आपकी बात समझ में आ गई गौतम राणे सागर जी, सिस्टम को गौतम राणे सागर जी बहुत संक्षेप में सिस्टम का घुन कैसे मिटे? राशिद जी, जब ये मान लिया गया कि ये प्रशासनिक चूक है, प्रशासनिक साजिश है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल कौन लगाएगा, ये जिम्मेदारी तय होगी। दिनेश दुबे जी चूंकि अभी शासन प्रशासन में है इसलिए जिम्मेदारी तो इनकी भी होती है। ऐसा दारापुरी जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कहें, मेरे पास वक्त एकदम नहीं है, जल्दी से। देखिए ऐसा है, इस मामले में प्रशासन जो है वो दबंग के साथ रहा है, क्योंकि जो उनके गांव के जो आदमी इस काम की पैरवी करते थे, प्रशासन ने दिनेश जी बोले दिनेश जी जल्दी से बोले, जल्दी बोले, वाइंड अप करना मुझे दिनेश जी। तो प्रशासन उधर खड़ा रहा दबंग के साथ, राशिद भाई हमारी सरकार गंभीर के साथ नहीं खड़ा रहा, और जिसका साजिश ये साजिश और राजनीतिक सब दूसरे दल वाले जो किए, जो समाजवादी पार्टी, ठीक है। एके मिश्रा जी, सुरेश चंद्रा जी, डॉक्टर विक्रम सिंह, ऐसा दारापुरी जी, मोहम्मद हाजी, आरिफ जी, दिनेश दुबे जी, गौतम राणे सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजधर्म के इस डिबेट में मेरे साथ रहने के लिए। और अंत में आपके चैनल का मानना यह है कि सोनभद्र नरसंहार जैसे मामलों पर राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए, सख्ती से जांच हो और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसके आदेश सीएम योगी ने दे भी दिए हैं। न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।